नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मैं चैनल सुपर अपडेट्स में। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे क्रोध और शिकारी फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले जानते हैं शिकारी फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। शिकारी सन 2000 में आई एक थ्रिलर ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में गोविंदा, करिश्मा कपूर, तब्बू, श्वेता मेनन, निर्मल पांडे, सुषमा सेठ, किरण कुमार, जॉनी लीवर और राणा जंग बहादुर नजर आए थे। इस फिल्म को एन चंद्रन ने डायरेक्ट किया था और इसकी कहानी भी उन्होंने लिखी थी और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था किशन जी किशनानी ने और इस फिल्म को 205 स्क्रीन्स के साथ 6 अक्टूबर सन 2000 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 7 करोड़ 25 लाख था और इस फिल्म ने इंडिया में 5 करोड़ का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 60 लाख का कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 2 करोड़ 91 लाख का कलेक्शन किया था। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 9 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 4.6 रेटिंग मिले और ये फिल्म उस साल की 39वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। वहीं बात करें म्यूजिक की तो इस फिल्म के लिए म्यूजिक आदेश श्रीवास्तव ने दिए थे और इसके लिरिक्स समीर और देव कोहली ने लिखे थे। इस फिल्म में कुल 7 गाने थे और इस फिल्म का एक गाना बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ, ये गाना सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा था जिसे कुमार सानू ने गाया था। चलिए फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। नंबर 1, निर्मल पांडे से पहले उनका रोल आदित्य पंचोली और जैकी श्रॉफ को ऑफर हुआ था पर दोनों ने ही इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। नंबर 2, इस फिल्म में पहली बार गोविंदा ने नेगेटिव रोल निभाया था। नंबर 3, गोविंदा, तब्बू और करिश्मा कपूर के साथ में यह दूसरी फिल्म थी। इससे पहले उन्होंने साजन चले ससुराल फिल्म में भी काम किया था। अब जानते क्रोध फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। क्रोध सन 2000 में आई एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, रंभा, जॉनी लीवर, अपूर्व अग्निहोत्री, कादर खान, मोहन जोशी, साक्षी शिवानंद, अंजना मुमताज, हरीश पटेल और रमी रेड्डी नजर आए थे। इस फिल्म को अशोक होंडा ने डायरेक्ट किया था और इसे प्रोड्यूस भी उन्होंने किया था और इस फिल्म की कहानी सिद्दीकी ने लिखी थी। इस फिल्म को कुल 225 स्क्रीन के साथ 10 मार्च सन 2000 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 4 करोड़ 25 लाख था और इस फिल्म ने इंडिया में 5 करोड़ 15 लाख का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 70 लाख का कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 3 करोड़ 20 लाख का कलेक्शन किया था। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 8 करोड़ 90 लाख का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। ये फिल्म एवरेज साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 4.4 रेटिंग मिले और ये फिल्म उस साल की 37वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। वहीं बात करें म्यूजिक की तो इस फिल्म के लिए म्यूजिक आनंद मिलिन ने दिए थे। इस फिल्म में कुल 7 गाने थे और इस फिल्म का एक गाना ममता भरे दिन, ये गाना सबसे ज्यादा हिट रहा था। तो चलिए फिल्म से जुड़ी कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। नंबर 1, ये फिल्म सन 1996 में आई मलयालम फिल्म हिटलर की हिंदी रीमेक थी। नंबर 2, डायरेक्टर अशोक होंडा इस फिल्म का टाइटल हिटलर रखना चाहते थे पर उन्हें ये टाइटल नहीं मिल पाया था क्योंकि ये टाइटल पहले ही मिथुन की फिल्म के लिए यूज कर लिया गया था। तो दोस्तों इन दोनों फिल्मों में से आपको कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद आई थी और आप इन दोनों फिल्मों को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन और फैक्ट्स वाली वीडियो चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।